कीवर्ड्स के लिए कर लिए थे, ये बताया था ना कैसे सर्च इंजन काम करता है, टेक्निक्स, ब्लैक हेड वाइट हेड, टाइप्स एंड टेक्निक्स, इसके बारे में बात की थी। एक मैंने ये कहा था शायद डुअल टाइम और बाउंस रेट के बारे में, पढ़ के आना है ना। तो क्या रहा इसका, कोई बात नहीं मैं पढ़ाता हूँ ये वाला चेकलिस्ट। इससे पहले जो टॉपिक था वो कीवर्ड्स का था, ये प्रोमिनेंस प्रॉक्सिमिटी। वीडियो उसके पीछे तो कीवर्ड रिसर्च था, तो फिर ये रहेगी होगी आपकी और एक ये वाली रहेगी होगी SEO स्टार्टिंग। ठीक है, तो अब यहाँ बात करने वाले हैं डुअल टाइम और बाउंस रेट के बारे में। ठीक है, तो डुअल टाइम क्या होता है, बाउंस रेट क्या होता है, ये पता करना पड़ेगा। तो कैसे करा जाएगा वो सब गूगल करेगा, सारे प्रोसेस गूगल करेगा, लेकिन हमें इसको मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखना है। डुअल टाइम एक बार पहले पढ़ो और फिर बताओ। चलो देखो, अभी आपको कुछ ये भी सीखना पड़ेगा, जैसे अपडेट्स पढ़े, आप सीधा ये लिख दो डेवलपर डॉट गूगल वेब मास्टर गाइडलाइंस, बस ये लिख दो वो पेज वेब मास्टर गाइडलाइंस, तो वहां से ढूंढ के आप वो पेज निकाल लोगे। नहीं, गूगल वेब मास्टर गाइडलाइंस बस ये लिखना है, सर्च करना है गूगल पे, क्योंकि खुद से भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना। अब देखो मैं बता दूंगा, अगर कहीं और से जानना हो कि डुअल टाइम और बाउंस रेट क्या होता है खुद से, तो कैसे करोगे, अभी मैं बताऊंगा समझा दूंगा एकदम में समझ गए। कल को कोई नई चीज़ आई उसका क्या करोगे, उसको कैसे समझोगे, इसलिए ढूंढने के लिए कहता हूँ, इसलिए करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं बता दूंगा तो चीज़ें क्लियर कट खत्म, बात वहीं पे ढूंढ नहीं पाओगे लेकिन। अब डुअल टाइम ये होता है, यूज़र आपकी साइट पे आया, उसने इन्फॉर्मेशन ग्रैब करी, अच्छा टाइम स्पेंड किया इधर उधर नेविगेट करके आपकी साइट से इन्फॉर्मेशन ग्रैब करी और वो सर्च इंजन से बाहर चला, तो इससे क्या इफेक्ट आया आपके साइट पे कि आपने बेटर इन्फॉर्मेशन दी है यूज़र को और वो चीज़ यूज़र के लिए बेनिफिशियल है, वो सेटिस्फाई है, तो वो डुअल टाइम में आएगा। बाउंस रेट में यूज़र आपके पास साइट पे आया, वो देखा, एनालाइज किया, उसने एक दो पेज भी देखे लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगा और बैक चला गया, फिर दोबारा सर्च कर रहा है, तो उसे आपकी साइट से इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं मिली उस टॉपिक के रिलेटेड जो उसने सर्च किया था, तो उस पर आपका बाउंस रेट, उस पर बाउंस रेट बढ़ जाएगा उस टॉपिक के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर, अब आपकी साइट
पहले पे नहीं दिखाई जाएगी, अब नीचे दिखाई जाएगी। जिस टॉपिक को क्लियर कर दिया उस टॉपिक पर आपके साइड ऊपर दिखाई जाएगी। ठीक है, अब जो एक कोड कैसे देख सकते हैं बताए, सोर्स कोड किसी साइट का है ना, कंट्रोल यू करके या फिर व्यू सोर्स कोड करके। जैसे ये है, अब इसका मैं व्यू सोर्स कोड करना चाहूँ तो कंट्रोल यू कर दूंगा, मेरे पास सोर्स कोड आ गया। अब इसमें मैंने क्या क्या चीज़ ढूंढने को आपको बताई थी कि क्या क्या देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, मेटा डिस्क्रिप्शन, हाँ टाइटल, हेडलाइन या हेडिंग, हाँ इमेजेस, तो उसमें सर्च करके उसकी रिपोर्ट बनानी होती है। तो जैसे मान लो मेरे को सोर्स कोड मिल गया कंट्रोल यू करके किसी भी वेब पेज का, अब मुझे इसमें टाइटल ढूंढ रहा है, कंट्रोल फाइंड करूंगा और टाइटल ढूंढूंगा। ठीक है, ये टाइटल है मेरे पास, अगर मुझे सही लगा ये टाइटल तो मैं रहने दूंगा, वरना इसकी रिपोर्ट बनाऊंगा कि अच्छा टाइटल बनाऊंगा और फिर दूंगा मैं। ठीक है, वैसे ही आप मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा क्या ढूंढ लोगे, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड, तो इनको भी बनाओगे आप और दोगे। उसके बाद आपका H1 एक होना चाहिए, यहाँ पे कितने दिखा रहा है, यहाँ चार दिखा रहा है ना, तो चार होने चाहिए, एक होना चाहिए ना सिर्फ, तो वो उसकी रिपोर्ट बनाओगे। चार H1 है, एक H1 करो आप, फिर H2 देख लो, ऐसे ही H3 देख लो कितने H3 हैं, है ना, इस तरीके से देख लो। फिर उसके बाद आपका IMG आ जाता है, इमेज देखो, इसमें ओल्ड टैग लगा हुआ है लेकिन ओल्ड एट्रीब्यूट लगा हुआ है लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो लिखा होना ज़रूरी है ना, लिखा होना ज़रूरी है, तो फिर इसकी रिपोर्ट बनाओ कि आपकी इमेज में ओल्ड एट्रीब्यूट भी लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ आप, है ना। ठीक है, ऐसे करके आप ढूंढ सकते हो चीज़ों को। एंकर टैग ढूंढना है, HREF, यहाँ से पता लग जाएगा, ये एंकर टैग, सारे एंकर टैग मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं कि URL स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। पहले URL स्ट्रक्चर, तो पहला आपका ये देखो HTTPS है, ये HTTP भी देखा होगा, P HTTP भी देखा होगा, HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है, नहीं पता। HTTP वाला अनसिक्योर होता है, सिक्योर होता है, जिसमें आपका SSL लगता है। उससे भी पता लग जाता है, URL से पता करना हो आपको तब, वो तो ब्राउजर बता रहा है, आपको खुद से किसी की हेल्प नहीं लेनी, खुद से ही पता करना है तब। फिर उसके बाद आपका सब डोमेन आता है, अगर आप यहाँ से लेते हो होस्टिंग डोमेन तो आपको shobha.equipclasses.com मिलेगा, तो जिसमें इक्विक क्लासेस है ये तो मेन डोमेन है, शोभा डॉट ये आपका सब डोमेन। ठीक है, तो आपका URL में सब डोमेन भी आ सकता है और मेन डोमेन भी आ सकता है। उसके बाद आता है आपका फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर का नाम, जैसे मान लो आप ब्लॉग लिख रहे हो तो सारे ब्लॉग एक फोल्डर में डालोगे, है ना, तो स्लैश ब्लॉग और स्लैश फिर वो कौन सा ब्लॉग है उसका नाम, जो लास्ट वाला होता है वो आपका स्लग होता है, स्लग मतलब जहाँ पे आप लास्ट में पहुँचाना चाहते हो जिस ब्लॉग का नाम है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, इस URL के अंदर हमें प्राइमरी कीवर्ड डालना पड़ेगा अपना, जो हमने उस पेज के लिए सर्च किया है, ढूंढा है। अब मान लो ब्लॉग में, ब्लॉग में डाल सकते हो, मेन मेन उसमें डाल सकते हो आप, होम पेज पे, होम पेज पे क्यों नहीं डाल सकते हम, होम पेज की URL में हम कीवर्ड डाल सकते हैं क्या, हाँ नहीं क्यों, हमारा पेज कैसे है ना, बस वही दिक्कत है, बाकी सारी चीजों में डाल सकते हैं, है ना। ठीक है, अब URL स्ट्रक्चर अदर पेज के तो URL पे आप क्लियर हो जाते हैं ना, तो उसको ऑप्टिमाइज करना है ना आपको,
अपने आप क्रिएट क्रिएट तो हो जाता है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। अब यू आर एल शुड कंटेन हाइफन, अंडरस्कोर नहीं चाहिए, हाइफन चाहिए। एक यू आर एल भी बनाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। यू आर एल छोटा होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा क्या यूज होगे, ठीक है, अपर केस कोई यूज नहीं होगा। इसका प्रयोग हम कम से कम करेंगे, अवॉइड करेंगे जितना हो सके। क्यों? अगर ये डालेंगे तो यू आर एल बड़ा हो जाएगा, इसे छोटा बनाने के लिए करेगा, ठीक है। देखो पहले अपना क्या आएगा, ठीक है, डोमेन का नाम। अब यहाँ पे डोमेन का नाम डाल दिया, मैं सब डोमेन भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, चलो ब्लॉग है अपना, और उसको ये करके ये दे दूँ, और नहीं ब्लॉग क्वेश्चन मार्क प्लीज गो टू दिस एंड क्लास इज इक्वल टू दिस, फिर इसके बाद एक और एंड नहीं ये लगा के स्लैश में डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एक ही यूआरएल है मेरा और एक ही यूआरएल है मेरा, क्या? हाँ, अब यूआरएल दोनों सेम है, मुझे सेम ही जगह पे ले जाएंगे, लेकिन कौन सा सही लग रहा है? क्यों क्लियर दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है ना, छोटा भी है, पढ़ने में आ रहा है, सबसे पहली बात। ऊपर वाला, हाँ, तो ऐसे यूआरएल बन जाते हैं, तो उसको आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। ये नहीं, इसको साथ में नहीं ले सकते, इसमें साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर जब आप बनाओगे ब्लॉग उसकी हेडिंग डालोगे तो साथ में थोड़ी चिपका के लिख दोगे, है ना। अब जैसे मान लो मेरे को ब्लॉग बनाया डिजिटल मार्केटिंग इन लक्ष्मी नगर, इससे क्लियर है, लेकिन ये वहाँ क्लियर नहीं हो रहा ना, तो इसमें क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इन लक्ष्मी नगर है। अब मैं इन हटा दूं तो भी मेरा सेंस बन रहा है, यूआरएल भी शॉर्ट हो गया, सेंस भी बन रहा है, तो ऐसे अवॉइड भी करने, ठीक है। तो अगर अभी अभी यूआरएल समझ में नहीं आया है तो बताओ, और नहीं आया तो बताओ। इसको ये यूआरएल को आप वर्डप्रेस में बनाओगे, मैं बनाना सिखाऊंगा। आप पेज का यू आर एल ही ऑप्टिमाइज करोगे डायरेक्ट। हाँ आप लेट हो गए, कोई नहीं। तो शोभा अभी तुम दो यू आर एल बनाओ, एक तुम्हारा प्रोडक्ट का होगा जो प्रोडक्ट के पेज पे लेके जाएगा, दूसरा तुम्हारा उसी प्रोडक्ट के लिए ब्लॉग होगा, और दोनों के लिए प्राइमरी कीवर्ड उस यूआरएल के अंदर होने चाहिए, दोनों पेजों के उस यूआरएल के अंदर, ठीक है। तब तक मैं इन्हें बता देता हूँ, क्या लो कंपटीशन, हाँ, क्योंकि एरिया अगर मान लो आपका कंपटीशन हाई वॉल्यूम में भी लो है, तब तो फिर उसी को स्टार्ट करो, है ना। लेकिन कंपटीशन देख लो कि सबसे लो किसका है, और सर्च वॉल्यूम कंपेयर कर लो थोड़ा सा। वो तो अभी कीवर्ड तो आप यूआरएल बना रहे हो ना, तो उसमें बनाओ, वो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं वो नहीं कह रहा, बस प्राइमरी कीवर्ड कोई सोच लो और उस पर यूआरएल बना दो। लास्ट क्लास में ये बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद अभी बात करने वाले हम डुअल टाइम और बाउंस रेट पे। तो देखो डुअल टाइम ये होता है कि कोई अपनी साइट पे आया, वेब पेज पे आया, उसने अच्छा टाइम स्पेंड किया, इन्फॉर्मेशन ग्रैब करी, फिर किसी अपनी साइट के दूसरे किसी वेब पेज पे गया, उस पर भी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करी, और उसने सर्च करना ही बंद कर दिया,
उस क्वेरी के अकॉर्डिंग सर्च करना बंद कर दिया, वो दूसरी क्वेरी के अकॉर्डिंग सर्च कर रहा है, तो उस क्वेरी से वो सेटिस्फाई हो गया हमारी साइड से, ठीक है, तो वो डुअल टाइम में काउंट होगा। लेकिन अगर कोई यूज़र आता है अपनी साइट पे देखता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, अच्छा नहीं लगा, दूसरे पेज पे जाता है इन्फॉर्मेशन लेता है, अच्छा नहीं लगा, तो तीसरे पे, और फिर वो वापस चला जाता है और दोबारा सर्च कर रहा है, तो वो बाउंस रेट में काउंट हो, सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है। तो डुअल टाइम बाउंस रेट समझ में आया, ठीक है, आपका डुअल टाइम अच्छा होगा तो साइट की वैल्यू भी अच्छी होगी। अब आपको किसी साइट का सोर्स कोड देखना है तो आप कैसे देखोगे? इंस्पेक्ट करके देख लोगे, ऐसे इंस्पेक्ट करके ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी HTML में, क्या क्या बताया था, तो उन्हें ही ढूंढना है आपको। देखो कंट्रोल फाइंड करोगे, पहले टाइटल ढूंढना है, टाइटल दिख गया अच्छा लगा तो सही है, वरना अपने रिपोर्ट में नया टाइटल बना के हम देंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा मेटा, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड देखेंगे, अगर सही है डले हुए हैं तो ठीक है, वरना हम बना के देंगे। वैसे ही हम IMG देख सकते हैं, इमेज, इमेज में ओल्ट एट्रीब्यूट है, उसमें लिखा हुआ है नहीं है कुछ, तो हम बना के देंगे, ये गलतियाँ हैं। और फिर हम H1 भी चेक करेंगे, कितने H1 है ना, H1 ज़्यादा है ना, होने चाहिए इतने, एक होना चाहिए ना, तो वो भी गलतियाँ हैं। तो ऐसे करके हम एक की साइट को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं URL पे। अब URL किसका होता है, वेबसाइट का, वेब पेज का, वेब पेज का होता है ना, तो वेब पेज का URL में देखो स्टार्टिंग में होता है एक HTTP और एक HTTPS, ये तो पता ही है, सो सिक्योर और अनसिक्योर है ना, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद अपना सब डोमेन आता है या फिर मेन डोमेन, सब डोमेन भी लगा सकते हैं और मेन डोमेन भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें, ठीक है। उसके बाद आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है कि किस फोल्डर में है, जैसे ब्लॉग बनाए आपने तो सारे ब्लॉग एक ही फोल्डर में रखोगे, तो उस ब्लॉग तक पहुंचाने के लिए पहले बताओगे बीच में ये फोल्डर है ब्लॉग नाम का, फिर आप ब्लॉग पे जाओ, लास्ट वाला आपका ब्लॉग का स्लग होगा, जो ब्लॉग जिस बारे में लिखा हुआ है उस बारे का नाम होगा, जैसे दिस इज डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे करके उसका क्या होगा, स्लग होगा। अब जो URL है अपना वो छोटा होना चाहिए, जितना छोटा आप कर सको, ठीक है, उसमें लोअर केस में होना चाहिए आपका सब कुछ, कोई भी अपर केस नहीं होगा। आप अंडरस्कोर यूज़ नहीं करोगे, हाइफन यूज़ करोगे, ठीक है, बीच में जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक साथ तो लिख नहीं सकते, इसको हटाना है तो हाइफन यूज़ करोगे, स्पेस भी यूज़ नहीं करोगे, क्या यूज़ करोगे, हाइफन, URL में कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अपना प्राइमरी कीवर्ड जो आपने सर्च किया है उस पेज के लिए वो उस URL में फिट करना है, हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो आपका एक जैसे मान लो मैंने एक URL बनाया था अभी, इनमें से URL कौन सा सही है, दोनों एक ही पेज पे लेके जाएंगे, है ना, क्योंकि उससे पता लग रहा है एकदम, हाँ तो ऊपर वाला ऐसे URL हमें अवॉइड करने हैं, नीचे वाले जैसे URL बने हैं वैसे ऑप्टिमाइज़ करने हैं, ठीक है। तो अभी आपको भी यही काम करना है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड एक प्रोडक्ट लो, सोचो जो अपना प्रोडक्ट है उस पेज का URL बनाओ, ठीक है, फिर उसके बाद उसी पेज के उसी प्रोडक्ट के ऊपर एक ब्लॉग लिखना है, उसका URL बनाओ, और ये सारी बातें ध्यान रखना कि प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, ये सब अवॉइड करना है हमें, और ये सारी चीज़ें करना, हाँ तो इस चीज़ को बनाओ फटाक से। पेज में उसको लेके जाना चाहते हैं, उस पेज का एक ब्लॉग में लेके जाना है, ब्लॉग दूसरा पेज हम कैसे डिसाइड करेंगे कि
हाँ,
तो आपको हर एक अपने वेब पेज का यूआरएल ऑप्टिमाइज करना है इस तरीके से। देखो क्या अवॉइड करना है कि ज्यादा बड़ा ना हो, स्मॉल ही रहे। अगर इन द सेंस कि अगर सेंस नहीं बन रहा तब यूज कर लो, लेकिन सेंस बन रहा है तब मत करो। आपका डोमेन है, डोमेन के बाद स्लैश लगाए, अब उसके बाद ब्लॉग का फोल्डर जाएगा। अब ब्लॉग के फोल्डर के अंदर एक ब्लॉग स्लैश फिर किसका उसका नाम उसका प्राइमरी हेडिंग अब ऐसे ही करके आपको पूरी साइट की यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना है। अब खुद भी कर सकते हो, वर्डप्रेस की होगी तो खुद भी कर लोगे, कोडिंग क्योंकि तो कोडिंग सिखाओ खुद नहीं कर सकते, फिर वो डेवलपर को देना पड़ेगा कि आप ये यूआरएल की जगह ये यूआरएल कर दो और ये यूआरएल की जगह ये यूआरएल कर दो। ठीक है, अब फिर उसके बाद आती है आपकी टाइटल टैग की, इसको भी तो ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, टाइटल टैग कहाँ दिखता है? यहाँ दिखता है, ये टाइटल है, आ जाओ, ये दिखता है टाइटल इसका। लेकिन एससीआरपी के पेज पे कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, दिख रहा है ये टाइटल है ना, यहाँ पे सेम है तो ऐसा दिखेगा टाइटल। तो इसको अच्छा दिखाना जरूरी है या नहीं है, है ना। और फिर उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन ऐसे दिखेगा, ठीक है, और आपका यूआरएल ये जो ऊपर है ये ऐसे दिखेगा, यूआरएल यूआरएल टाइटल डिस्क्रिप्शन। तो ये तीन मेज है, तो यूआरएल आपका ऑप्टिमाइज होगा तो वहां से पता लग जाएगा कहाँ जा रहा है। उसका टाइटल अच्छा होगा तो भी कोई क्लिक करेगा, डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो अभी पहले टाइटल को हम बनाना सीखेंगे कि हम टाइटल अच्छा सा कैसे बना सकते हैं। अब देखो यहाँ से आगे तो कोई नहीं जा रहा ना कि किसी का टाइटल यहाँ से सीधा उधर तक पार हो गया हो, नहीं ना, ये डॉट डॉट आ जाती है। तो अपने पास यही लिमिट है डेस्कटॉप की, यही लिमिट है कि यहाँ तक हम लिख सकते हैं जो विजिबल रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर अभी दिखाते हैं कि एक टाइटल में क्या होना चाहिए। पहले तो आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है, उस पेज का। फिर उसके बाद आपका ब्रांड नेम भी होना चाहिए। अब आपका ब्रांड नेम ज़्यादा बड़ा है तो उसको शॉर्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा तो फिर तो टाइटल ही खा जाएगा पूरा का पूरा ब्रांड नेम ही, है ना।
अब कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, कीवर्ड स्टफिंग इन द सेंस कि आप सोचो कि दो तीन कीवर्ड डाल दूं मैं अपने अपने टाइटल के अंदर ही, वो चीज़ मत करना, सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड डालना, ठीक है। कैनिबलाइजेशन पता है? हाँ, समझाया था, तो उसको भी चेक करना है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में कर रहे तब तो होने से रही, लेकिन जब आगे आप ब्लॉग लिख दोगे बहुत सारे तब हो सकती है, तब उसको चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्रिएटिविटी तो दिखानी पड़ेगी, देखो कि टाइटल ऐसा रखो कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। अब लॉन्गर टाइटल अवॉइड क्यों करने हमें? हाँ, विजिबल नहीं होगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, डॉट 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 आ जाएगी, तो फिर वो विजिबल नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अपना टाइटल बनाना है। अब आप अपना टाइटल कहाँ बनाओगे, कैसे चेक करोगे? देखो टाइटल तो अपने दिमाग से बनाओगे, चेक करने के लिए मैं आपकी जगह बता देता हूँ, ठीक है। आपको जाना है यहाँ पे, लिखना है टू द वेब, टू द वेब, ठीक है। ये आ जाएगी पहली साइट टू द वेब डॉट कॉम, तो उस पर चले जाना, ठीक है, ये साइट खुल जाएगी। उसके बाद आपको जाना है टूल्स पे, टूल्स पे क्लिक करना, यहाँ पे दिख रहा है ये ना टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, तो इस पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे पेज टाइटल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे जब अपना पेज का टाइटल डालोगे आप, तो ये आपको दिखाएगा कि ये टाइटल सही है या नहीं है। तो मैं ऐसे देखो डालना शुरू किया तो क्या कह रहा है, अभी टू शॉर्ट बता रहा है ना, अब क्या बता रहा है, एक्सेप्टेबल है, अब क्या बोल रहे हैं, अब ये इसने पिक्सल सिस्टम बना दिया कि हम पिक्सलों में काउंट करेंगे, पहले वर्ड्स में काउंट करते थे अब पिक्सल में। गूगल ये नहीं बोलता कि आप कितना भी टाइटल कितना भी बड़ा रखो या कितना भी छोटा रखो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन टाइटल अच्छा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैंने ये टाइटल लिख दिया, ऊपर जाओगे तो आपको पेज का टाइटल दिखेगा, ये देखो डेस्कटॉप में ये टाइटल दिखेगा ऐसे और मोबाइल में दिखेगा ऐसे, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, कह रहा है टिपिकली है, टिपिकली मोबाइल रिजल्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको कम कर दूं, देखो डेस्कटॉप में आपका टाइटल दिखेगा ऐसे, मोबाइल में दिखेगा आपका ऐसे, तो यहाँ से आप बेहतरीन टाइटल बना सकते हो अपना सोच के। और लास्ट में क्या करना है आपको कि यहाँ पे अपना ब्रांड नेम दे देना, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा, ब्रांड नेम हाइफन लगा के ब्रांड नेम, ताकि पता लग जाएगा किस चीज़ का है, कंपनी का नाम भी तो होना चाहिए, अपना नाम भी तो देना है, तो वहाँ पे पता लग जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन बनाना है, एक बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन बनाना है, उसमें ब्रांड नेम नहीं देना है, उसमें ब्रांड नेम नहीं देना, क्या ब्रांड नेम ओवैसी बात है सब लास्ट में आता है, ब्रांड नेम आप स्टार्टिंग में डाल दोगे फिर लिखोगे क्या, हेडिंग थोड़ी है, तो ब्रांड नेम लास्ट में आएगा, आपने बता दिया हाँ हम इस ब्रांड के हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या बनाओगे, पेज का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपकी लेंथ वगैरह सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है, और उसके बाद ये आपको विजिबिलिटी ऐसे दिखेगी, है ना। तो ये अपने दिमाग से सोच के कुछ क्रिएटिव वर्ड डाल के अपना एक टाइटल बनाएंगे पेज के लिए, और वैसे ही आपका अपना मेटा डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। अब वो डालना कैसे है जब बना के लाओगे तब बताऊंगा, तो अभी क्या क्या लाना है आपको बना के, URL, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीज़ है। उसके बाद अपने कीवर्ड्स तो ढूंढ ही लोगे, कीवर्ड्स तो ढूंढ ही रखे हैं उस पेज के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी सेम वही करना है, इसमें ब्रांड नेम क्या है ऑप्शनल है, डालना चाहो
डालो वरना नहीं डालो, लेकिन प्राइमरी कीवर्ड जरूर आएगा। उसके बाद कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, कैनिबलाइजेशन भी देखना है कि सेम कीवर्ड ना हो, और लॉन्गर डिस्क्रिप्शन भी वो अवॉइड करने हैं, और क्रिएटिविटी तो दिखानी है। अभी देखो गूगल का कोई अपडेट नहीं आया कि आप इसके अंदर कोई ये नहीं डाल सकते, क्या नहीं डाल सकते, इमोजी है ना, गूगल का कोई अपडेट नहीं है कि अभी इमोजी नहीं डाल सकते, लेकिन इमोजी डालने से देखो कितना फर्क पड़ रहा है विजिबिलिटी पे, है ना, एकदम कैची हो जा रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पे डाल दूँ इमोजी, अब मैं यहाँ देखूँ, अरे क्या हुआ, आए नहीं, विजिबिलिटी में नहीं आए। लेकिन अगर मैं इमोजी डाल देता हूँ, आने तो चाहिए यार, ऐसे क्यों नहीं आ रहे आगे। चलो देखो यहाँ पे कुछ ऑफर दोगे या कुछ दोगे, किस बारे में बताओगे तो कैची लगेगा एकदम से, लिखे हुए से अलग से तो सब में अलग दिखेगा, तो लोग क्लिक कर देंगे। अभी तक अपडेट तो आया नहीं है, आगे आ सकता है, आगे आएगा जब देखी जाएगी, तब तक फटाफट कर लो, इस पे काम कर लो। हाँ तो ये खुद खुद से सोच सोच के ऐसा टाइटल बढ़िया बना लो, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बना लो और यूआरएल बना लो, फिर उसको साइट में डालना सिखाऊंगा, ठीक है। फिर आप एक पेज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, आपका सेटिंग फैब्रिक का पेज है, अब उसका पेज का डिस्क्रिप्शन आप फेस्टिवल के अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे। नहीं, डिस्क्रिप्शन सही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे टाइटल है, वहाँ पे अगर कुछ डाल दिया हमने, कुछ अगर जैसे ऑफर वगैरह आते हैं, तो आप उसके लिए ऑफर का एक पेज बनाओगे ना, नया ऑफर का पेज बनाओगे, सेम पेज पे नहीं काम करोगे, क्योंकि उसके टाइटल की वजह से उसकी रैंकिंग भी है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो फिर आपकी रैंकिंग डाउन होगी, तो वो इश्यू करेगा, है ना, तो ये नहीं कर सकते। फेस्टिवल आ रहा है, नया पेज बना दो, पैसे लग थोड़ी रहे, उसका पेज बना दो, वहाँ ऑफर दे दो, क्योंकि तो फेस्टिवल का 2-4 दिन का हिसाब रहता है, उसके बाद तो कुछ नहीं है, तो उसके लिए आप पूरे अपने पेज की रैंकिंग डिस्टर्ब करना चाहोगे, है ना, वो बना दो पेज को, करा दो रैंक, वहां से कस्टमर ले लो और फिर डिलीट कर दो। गूगल पे हम क्यों कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, गूगल कर सकता है, हम थोड़ी कर सकते हैं। अब आपकी साइट पर कोई आके आपके रिव्यू डिलीट थोड़ी कर सकता है, अब ऐसे ही गूगल की साइट पे जाके आप रिव्यू डिलीट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, वो तो आपकी साइट है ना, गूगल पे। अच्छा गूगल पे, गूगल पे पेज नहीं होता, हमारी साइट में पेज होता है, कर सकते हैं। बिजनेस है, गूगल बिजनेस है, उसमें कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस पे आप गूगल को भी बोल सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग आपका ये जो सर्च करता है, हाँ उसको हाँ अच्छा हाँ, हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो अब बना लोगे ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज और बता देता हूँ, यहाँ जाना सर्च इंजन, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, तो आपसे एक ये यूआरएल मांगेगा, तो आप इसमें यूआरएल दे देना, ठीक है, उसके बाद हम बता देंगे कि हम इंसान हैं, ठीक है, इंसानियत साबित हो गई। उसके बाद रन सिमुलेशन, ये क्या करेगा, आपको जिस जो यूआरएल आपने डाला है उसकी साइट की पूरी डिटेल्स दे देगा, ठीक है। अब देखो यूआरएल आपने बता दिया क्या है, उस साइट का टाइटल इसने बता दिया, डिस्क्रिप्शन इसने बता दिया, कितने वर्ड्स थे उसके अंदर, कितने यूनिक वर्ड है, ठीक है, दूसरों की साइट, हाँ उस पेज की, फिर उसमें कीवर्ड फ्रिक्वेंसी बताई कि दो वर्ड की कीवर्ड
इतनी बार दो वर्ड इतनी बार आ रहा है, ये वाला वर्ड इतनी बार आ रहा है, ठीक है। फिर तीन वर्ड के बता दिए उसने, ऐसे करके दे दिया उसने इन्फॉर्मेशन। फिर हेडिंग बता दी, H1 बता दी, H2 भी बता दी, H3 भी बता दी, बोल्ड टेक्स्ट कितने हैं बोल्ड वो बता दिए, ऑन पेज लिंक, पेज के ऊपर क्या क्या लिंक्स है वो भी यहाँ दे दिया, पेज का टेक्स्ट ये आ गया देखो पूरा का पूरा, जो पेज पे टेक्स्ट था सारा निकाल के दे दिया एक तरीके से उसका कंटेंट, ठीक है, ये कंटेंट निकाल के दे दिया। उसके बाद इमेज के क्या टेक्स्ट लगे हुए, ओल्ड टेक्स्ट क्या लगे हुए वो बता देगा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड कर देगा सिर्फ एक यूआरएल से किसी भी साइट का। तो आप कॉम्पिटिटर की साइट एनालाइज कर सकते हो उसमें क्या कीवर्ड यूज किया है ना, यहाँ से कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये टूल बहुत काम का है, इसको देख लेना। टू द वेब, ठीक है। और ये सारी चीजें करके लाना, उसके बाद अपनी साइट के अंदर हम डालना सीखेंगे कि कैसे डाल सकते हैं। योस्ट एसईओ से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ।